हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अमिता तेलंग, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सीएस गुरुकुल महिला महाविद्यालय रायपुर। सो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक यूनिट नंबर 2 कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग विद कंट्रोल, इस यूनिट को आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड लूप स्ट्रक्चर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो उस इनपुट को कैलकुलेट करके यदि हमको रिजल्ट देखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑपरेटर्स की। हम सभी को पता है कि ऑपरेटर्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का यूज किया है, चाहे वो मैथ्स में किया हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंपैरिजन करने में किया हो। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर दो प्रकार के ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं, एक है लॉजिकल ऑपरेटर और दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मेन पर्पस होता है बुलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना और एक बुलियन रिजल्ट रिटर्न करना। बुलियन इट मीन्स यस और नो, ओके। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर जब भी यूज होगा तो ये यस या नो, इसमें हमको रिजल्ट रिटर्न करने वाला है। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड, और एंड ऑल्सो, और एल्स, एक्स और ऑपरेटर, है ना, ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर भी टू टाइप के हैं, जैसे कि अभी जो मैंने बताया ये सारे के सारे बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स को एक्सेप्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं और उसका आउटपुट जनरेट करते हैं। इसके अतिरिक्त एक नॉट ऑपरेटर होता है, वो यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी इसलिए क्योंकि उसमें एक सिंगल ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड लिया जाता है जिस पे ये वर्क करेगा और उसका रिजल्ट जनरेट करेगा। सो इनमें से कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर। तो यूनरी में सिर्फ एक लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा, वो है नॉट। नॉट ऑपरेटर नेगेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ये परफॉर्म करता है। मतलब ये है कि हम कोई भी जो इनपुट यहाँ पर देने वाले हैं उसका नेगेशन यहाँ पर ये शो करेगा, उसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर शो करेगा। इसके अतिरिक्त ये किसी भी ऑपरेटर का लॉजिकल अपोजिट डिस्प्ले करता है, और यदि एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि नॉट मीन्स निगेशन, निगेशन मीन अपोजिशन, हम जो भी इनपुट देंगे उसका जस्ट अपोजिट ही यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यदि हम यहाँ पर यदि ये एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स होता है तो नॉट जो होगा वो ट्रू ये रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डिम एक्स वाई एज बुलियन एक्स इज इक्वल टू नॉट 23 ग्रेटर देन 14 and y is equal to not 23 greater than 67. So, यहाँ पर ये जो statement है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि x जो है वो false होगा और y जो है वो true होगा। Expression देख सकते हैं यहाँ पर 23 greater than 14 है, ये इसका result हमको पता है कि ये क्या होता है, ये सही लिखा है, मतलब ये true है। बट क्योंकि यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा है इसके सामने, इसीलिए इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर ये चीज गलत है, जो हमको पता है लॉजिकली ये चीज गलत है कि 23 इज नॉट ग्रेटर देन 67, बट क्योंकि इसके सामने एक नॉट ऑपरेटर यूज हुआ है इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, ओके। नेक्स्ट बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज करके हम दो बुलियन एक्सप्रेशन को लॉजिकली कंजक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यदि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि एक्सप्रेशन में दोनों में से कोई एक यदि फॉल्स है
तो एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करने वाला है। और ऑपरेटर ये लॉजिकल डिसजंक्शन और इंक्लूजन इसको परफॉर्म करता है। मतलब यदि दो ऑपरेटर्स हमने लिए हुए हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि आपका एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है या दोनों जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होते हैं तो और जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि दोनों में से कोई भी एक जो है वो ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक्सओर ऑपरेटर जो होता है वो लॉजिकल एक्सक्लूजन परफॉर्म करता है। यदि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमने लिया हुआ है उसमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू है, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन क्या है ट्रू है, दोनों नहीं है, तो एक्सओर ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। और यदि दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है या दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तो एक्सओर जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देख लेते हैं, एंड और एक्सओर जो हमने अभी लिया था एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर देखिए हमने वेरिएबल्स लिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, बुलियन वेरिएबल लिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर टेस्ट करना है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बुलियन रिजल्ट, बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बुलियन ऑपरेशन ही रिटर्न, बुलियन रिजल्ट ही रिटर्न करते हैं। सो यहाँ पर देखिए आपने लिखा है ए इज इक्वल टू 23 इज ग्रेटर देन 14, एंड यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया आपने, 11 ग्रेटर देन 8। वैसे यहाँ पर लिखा b इज इक्वल टू 14 ग्रेटर देन 23 एंड 11 ग्रेटर देन 8। तो इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर a क्या रिटर्न करेगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, जो आएगा a का वो आएगा ट्रू और b का रिजल्ट आएगा यहाँ पर फॉल्स। a का रिजल्ट ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके दोनों ही एक्सप्रेशन, मीन्स ये नंबर वन एक्सप्रेशन है नंबर टू एक्सप्रेशन है, दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट इसका आ रहा है ट्रू, जबकि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया क्योंकि 14 ग्रेटर देन 23 नहीं होता है, तो ये एक फॉल्स हो गया, तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो जब ऐसा होता है तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल, c इज इक्वल टू 23 ग्रेटर देन 14 और 8 ग्रेटर देन 11, तो इसमें देखिएगा कि फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है बट सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है, और d इज इक्वल टू 23 ग्रेटर देन 67 ये यहाँ पर क्या है फॉल्स है, और 8 इज ग्रेटर देन 11 ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पर c जो है c का रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है लेकिन d का जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स हैं इसलिए। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं e इज इक्वल टू 23 ग्रेटर देन 67, ओके ऑब्वियसली ये रॉन्ग है यहाँ पर, और हमने फिर यहाँ पर बीच में ऑपरेटर का यूज किया x और ऑपरेटर 11 ग्रेटर देन 8, तो ये क्या है ट्रू है, ये एक्सप्रेशन फॉल्स है और ये ट्रू है। और वैसे ही f इज इक्वल टू 23 ग्रेटर देन 14 x और 11 ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पर जो दोनों एक्सप्रेशन हैं वो ट्रू हैं। और थर्ड एग्जांपल यहाँ पर जो दिया हुआ है g इज इक्वल टू 14 ग्रेटर देन 23 x और 8 ग्रेटर देन 11, तो इस तीनों स्टेटमेंट में यदि आप देखें तो E जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, F जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा और G जो है वो फॉल्स रिटर्न करने वाला है, जैसा कि हमने X और स्टेटमेंट के बारे में पहले डिस्कस किया था कि किन किन कंडीशन में वो ट्रू रिटर्न करता है और किन किन कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट होता है सेकेंड हमारा कैटेगरी कंपेरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं और ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं जो उन वैल्यू के बीच के रिलेशनशिप को शो करेगी। देयर आर ऑपरेटर्स फॉर, इस ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, कंपेयरिंग ऑपरेटर फॉर कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर फॉर कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट, हम चाहें तो कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज बहुत सारे पर्पस के लिए कर सकते हैं, बट नॉर्मली कंपेयरिंग न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कंपेयर करने वाले हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो विजुअल बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यूज को 6 न्यूमेरिक कंपेरिजन ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर कर सकता है, और हर एक ऑपरेटर जो है उसमें दो एक्सप्रेशन की जरूरत है और इसका जो रिजल्ट है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू ही होगा। ओके, तो कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर
जैसे पहला होता है इक्वालिटी, इक्वल ऑपरेटर। सो यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है, इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि आपने लिखा 23 इज इक्वल टू 33, तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ लिखा है 23 इक्वल 23, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। 23 इक्वल 12, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, इक्वल ऑपरेटर होता है, इक्वालिटी के लिए टेस्ट करता है कि इक्वल है या नहीं है दो वैल्यूज। इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा और इक्वल नहीं है तो फॉल्स। वैसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ पर देखिए आप, सेकेंड ऑपरेटर इस तरीके से ये होता है, ये इनइक्वालिटी के लिए होता है। ओके, मतलब दो जो आपने वैल्यूज दिया हुआ है, दो न्यूमेरिक वैल्यूज, वे इनइक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो एग्जांपल आप देख सकते हो 23, फिर ये ऑपरेटर लगा करके आपने लिखा 33, ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं, इनइक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट यदि आपने दोनों इक्वल नंबर्स यहाँ पर लिख दिए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और वैसे ही जो थर्ड वाला है वो भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये इनइक्वालिटी के लिए यूज होता है ये जो ऑपरेटर है आपका। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा लेस देन ऑपरेटर। ऑब्वियसली ये दो न्यूमेरिक वैल्यूज में यदि हम इसके बीच में यदि हम इसको यूज करेंगे, तो यदि वो एक्सप्रेशन ट्रू है ना, तो वहां पर वो ट्रू रिटर्न करेगा, लॉजिकली ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं 23 लेस देन 33, यदि हमने ये लिखा मतलब ये ट्रू है, करेक्ट है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू और फॉल्स दो ही यहाँ पर आप बुलियन वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो जो भी ऑपरेटर आप यूज करने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये बुलियन वैल्यू ही हमेशा रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन जो है ये जब आपका करेक्ट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, मतलब अगर आपने करेक्ट एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल 23 ग्रेटर देन 33, तो ऑब्वियसली ये चीज रॉन्ग है, हम सभी को पता है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट यदि हम यहाँ पर लिखे 23 ग्रेटर देन 12, तो ये ट्रू है। ओके, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। वैसे ही लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, और ये सारे जो एक्सप्रेशन आपने अभी तक पढ़े, इन सभी का एक समरी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कब ट्रू रिटर्न करेंगे और कब ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि जितने भी ऑपरेटर्स आपने देखे हैं, जैसे कि लेस देन है, यदि एक्सप्रेशन वन लेस देन एक्सप्रेशन टू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यदि एक्सप्रेशन वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सप्रेशन टू हो रहा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि लेस देन इक्वल टू आप यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी यदि एक्सप्रेशन वन लेस देन इक्वल है एक्सप्रेशन टू की, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट यदि एक्सप्रेशन वन ग्रेटर देन हुआ एक्सप्रेशन टू के, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे ही बाकी सभी ऑपरेटर्स के साथ भी हम समझ सकते हैं कि वो कब ट्रू रिटर्न करेंगे और कब वो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप सभी को पता रहना चाहिए अगर आप ऑपरेटर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। चलिए अब हमारा आज का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। विजुअल बेसिक हम सभी पढ़ रहे हैं। विजुअल बेसिक जो होता है वो आपका आईडीई एनवायरनमेंट पे वर्क करता है, ये हम सभी को पता है। हमने यूनिट नंबर 1 में इसके बारे में, मतलब इसके बेसिक कंटेंट क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म डिजाइन करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली इसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विजुअल बेसिक जो है बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें हमें कोडिंग भी करना होगा और लॉजिक से हमें वर्क करना होगा। ओके, तो जब हम कोडिंग करते हैं तो हम सिंपल वन लाइनर या मल्टी लाइनर कोडिंग लिखते नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारी कोडिंग जो है वो क्या रहे, लॉजिकल रहे। ओके, मतलब जब हम उस कोडिंग को एग्जीक्यूट करें तो वो टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, जैसा जैसा इनपुट हम दें उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग कोडिंग हमें यहाँ पर करना होता है। तो विजुअल बेसिक जो होता है वो
बेसिकली थ्री टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है। पहला होता है इफ देन, सेकंड है इफ देन एल्स, फिर है सेलेक्ट केस। ये सारा हमने, अगर इसके पहले आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ कॉमन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये सारे जो है वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, बट सभी का जो बेसिक लॉजिक होता है वो सेम होता है। इफ को हम सी में भी यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं, है ना, बट उसका लिखने का तरीका, उसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है उसके पीछे, वो सेम रहता है। इसके अलावा जैसे कि हम अदर लैंग्वेजेस में लूप स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, वैसे ही विजुअल बेसिक में हम लूप स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। डू व्हाइल लूप, व्हाइल व्हेन लूप और फॉर नेक्स्ट लूप, ये तीन लूप हम यहाँ पर देखने वाले हैं विजुअल बेसिक में। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अब इफ देन सेलेक्शन स्ट्रक्चर, इफ देन सेलेक्शन स्ट्रक्चर ये एक इंडिकेटेड एक्शन परफॉर्म करता है। ओके, मतलब हम इफ के अंदर एक कंडीशन लिखने वाले हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये एक एक्शन परफॉर्म करेगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो एक्शन को स्किप कर देगा। सिंपल है, इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। यदि कंडीशन आपने लिखा इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एंड इफ, ओके, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, यदि एवरेज ग्रेटर देन 75, इफ एवरेज ग्रेटर देन 75 देन टेक्स्ट ग्रेट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए। ऑब्वियसली यदि ये कंडीशन फुलफिल हुई, मीन्स एवरेज नाम का कोई वेरिएबल आपने प्रोग्राम में बनाया होगा, तो यदि वो वेरिएबल ग्रेटर देन 75 है तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उस टेक्स्ट बॉक्स में ए प्रिंट हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो पाएगा, आप सिंपली स्किप कर दोगे। सेकंड होता है हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स देखकर इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इफ, उसके बाद हमने लिखा कंडीशन, उसके बाद यदि कंडीशन ट्रू है तो इसके बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन ट्रू नहीं है मीन्स फॉल्स हो गई, तो ऑब्वियसली जो अदर स्टेटमेंट हमने कुछ लिखा होगा वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, यदि एवरेज ग्रेटर देन 50 है तो टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें पास प्रिंट हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं है मींस एवरेज लेस देन 50, ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो उस केस में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें फेल प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मल्टीपल केसेस, मींस इसे हम लैडर भी बोल सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स लैडर। ओके, तो यहाँ पर इस लैडर का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका दो तरीके से इसे हम शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं। पहला जो मेथड है उसमें यदि हम ऐसा लिख, उसमें हम ऐसा लिखते हैं इफ कंडीशन वन देन स्टेटमेंट, एल्स कंडीशन टू देन स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन थ्री देन स्टेटमेंट। ओके, मींस यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन के बेस पे, कंडीशन के रिजल्ट के बेस पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेथड वन हुआ। मेथड टू इस तरीके से होगा कि यदि कंडीशन वन है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन टू है ट्रू तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना, और यदि ऐसा नहीं है एल्स इफ कंडीशन थ्री देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एंड इफ एंड इफ। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जितनी बार आप यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखेंगे आपको उतनी ही बार इन इफ स्टेटमेंट को क्लोज भी करना होगा। क्लोज करने के लिए सिंपली हमें लिखना है एंड इफ। ओके, चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको ग्रेड फाइंड आउट करना है नेस्टेड इफ का यूज करके, और उस ग्रेड को टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है, सेम एग्जांपल जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। सो यदि एवरेज, इफ एवरेज ग्रेटर देन 75 तो टेक्स्ट बॉक्स में ए प्रिंट होना चाहिए, यदि एवरेज ग्रेटर देन 65 है तो टेक्स्ट बॉक्स में बी प्रिंट होना चाहिए, यदि एवरेज ग्रेटर देन 55 है तो ग्रेड में सी प्रिंट होना चाहिए, और यदि एवरेज इज ग्रेटर देन 45 है तो यहाँ पर एस प्रिंट होना चाहिए।
है ना। और अगर इन चारों में से कोई भी चीज नहीं है, कोई भी आपका कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो फाइनली एक लास्ट ऑप्शन आपने दिया है कि वहां पर एफ प्रिंट होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये आपका एल सिर्फ लैडर की तरह वर्क कर रहा है यहाँ। चलिए अब नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। जैसा कि आपने लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा था एल सिर्फ लैडर, बिल्कुल उसी तरीके से सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर वर्क करता है। मतलब ये एक अल्टरनेटिव है इफ एल्स एल्स इफ लैडर का। इस तरीके से ये वर्क करता है, इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। और दूसरी चीज कि सेलेक्ट केस को यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल है इफ एल्स एंड इफ इस लैडर की तुलना में, क्योंकि वहां पर हमको मल्टीपल टाइम एंड एल्स इफ इस तरीके से आपको लिखना होता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट सेलेक्ट केस जो है इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, जिससे हम इसको यूज आसानी से कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट केस इंडेक्स। ओके, इंडेक्स में कोई भी आपको नंबरिंग यहाँ पर देना होगा कि आप कितना केस यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं। इंडेक्स में हमने कोई भी नंबर डाल दिया, उसके बाद में हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं केस जीरो। ओके, मींस यदि केस जीरो है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, केस वन है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली जब सब कुछ हो जाएगा तो हमको उसको एंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है एवरेज वेरिएबल। उस एवरेज वेरिएबल में हम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। मींस एवरेज इज इक्वल टू टीएक्सटी एवरेज डॉट टेक्स्ट। ओके, मतलब एवरेज टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी डिस्प्ले होगा या जो कुछ भी उसमें स्टोर होगा वो सब कुछ एवरेज नाम के वेरिएबल में जाकर के सेव हो जाएगा। सो हमको सेलेक्ट केस करना है एवरेज। हमने यहाँ पर केस ले दिया 100 to 75। अब देखते हैं यदि txt dot text यदि a है तो केस होगा 75 to 65। वैसे ही txt grade dot text यदि b है तो केस होगा 64 to 55। वैसे ही आप इसको वन बाय वन लिखते जाएंगे और इसके केसेस जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करते जाएंगे। फाइनली अगर इसमें से कोई भी केस नहीं हो रहा है, हमने नहीं डाला है कोई भी केस, ओके, हमने जो नंबर है कुछ भी यहाँ एंटर नहीं किया है, तो उस केस में एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड एवरेज मार्क। तो इस तरीके से आप चाहें तो सेलेक्ट केस का यूज कर सकते हैं मल्टीपल वे डिसीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं। ये हो गया अपना एंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ। सो लूपिंग स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी एक एक्शन को यदि कोई प्रोग्रामर रिपीटेडली परफॉर्म करना चाहता है जब तक एक गिवन कंडीशन ट्रू है तब तक, तो उसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखते हैं हम। एक होता है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट, एक होता है व्हाइल वेंड, देन डू व्हाइल व्हाइल, डू लूप व्हाइल स्टेटमेंट, डू अंटिल लूप स्टेटमेंट एंड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का यूज करके हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक एक सर्टेन कंडीशन यदि ट्रू है, मतलब जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक वो स्टेटमेंट क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका कि सपोज हमको डू लूप का यूज करके 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करनी है और उस काउंटिंग को हमें डिस्प्ले करना है। सपोज काउंटिंग करना है तो उस काउंटिंग को करने के लिए हम यहाँ पर डू व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग देखते हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप एक वेरिएबल लोगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने लिया है, उसका नाम दिया है नंबर। उस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दिया हमने 1। ओके, हमको 1 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो हमको एक इनिशियल वैल्यू देना यहाँ पर कंपलसरी है। उसके बाद हम लिखेंगे डू व्हाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 100। अब हमें कहाँ तक की काउंटिंग करनी है, 100 तक, तो हमको क्या करना है, लेस देन इक्वल यहाँ 100 तक के नंबर आपको लेना है। और हर बार क्या होना चाहिए, एक इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 एंड देन फाइनली लूप। ओके, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये वर्क करेगा।
सबसे पहले क्या होगा, एक वेरिएबल नंबर नाम का ये इनिशियलाइज होगा, उसको हमने 1 दे दिया और यहाँ से हमारा लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारी कंडीशन टेस्ट होगी और यदि कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि हमारा लूप जो है वापस हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद में हमारा जो एक इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर होगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 लिखा है। और इस तरीके से तब तक होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और एक बार फॉल्स होने के बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। व्हाइल एंड स्टेटमेंट ये बिल्कुल डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट की तरह ही वर्क करेगा जो हमने अभी अभी यहाँ पर देखा था। ठीक है, एक और लूप होता है डू लूप। डू लूप व्हाइल स्टेटमेंट ये सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद कंडीशन टेस्ट करता है हर एक बार जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके पहले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने नंबर नाम का वेरिएबल लिखा, उसको वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 लूप व्हाइल नंबर लेस देन 201। ओके, मतलब 200 तक आपको यदि नंबर डिस्प्ले करना है तो उस केस में ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है दोनों में, इसके पहले जो हमने डू व्हाइल देखा था उसमें और इसमें, यहाँ पर ये डिफरेंस हो रहा है कि सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में कंडीशन टेस्ट होती है, जबकि इसके पहले जो हमने देखा था डू व्हाइल लूप उसमें सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक बार कंडीशन टेस्ट होगा और अगर कंडीशन ट्रू है तभी हमारा स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर फर्स्ट टाइम में हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, डू व्हाइल लूप में हम तुरंत लूप से बाहर आ जाएंगे और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट यहाँ पर एटलीस्ट 0 तो प्रिंट होगा जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज किए, कम से कम वो तो प्रिंट होगा क्योंकि उसके प्रिंट होने के बाद ही हमारा जो इंक्रीमेंट है वो स्टार्ट होता है और हमारी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। वैसे ही डू अंटिल लूप, व्हाइल एंड लूप है ना, ये सारे रिपीटेशन स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम होते हैं, फॉल्सिटी पे वर्क करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ डू अंटिल लूप आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज डू एज वेल एज लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट इवेलुएट्स टू फॉल्स। ओके, तो इसमें क्या होगा, यदि लूप कंटिन्यूएशन का जो स्टेटमेंट है यदि फॉल्स है तो उस केस में यदि ऐसा होगा तब तक वो क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है ना, हमने लिखा यहाँ पर नंबर एज लॉन्ग, हमने एक वेरिएबल लिया नंबर लॉन्ग डेटा टाइप का, नंबर को हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 0, हमने लिखा डू अंटिल नंबर इज ग्रेटर देन 1000, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, प्रिंट नंबर एंड लूप। तो यहाँ पर 1 से लेके 1000 के बीच के नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा ऑन द फॉर्म एज सून एज यू क्लिक ऑन द कमांड बटन। ओके, तो जब तक हम कमांड बटन पे क्लिक करेंगे तब तक वो क्या होता रहेगा, क्लिक कर वो डिस्प्ले करता रहेगा उसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट लूप हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है हमारा फॉर नेक्स्ट लूप। तो फॉर नेक्स्ट लूप इसका यूज करके विजुअल बेसिक में हम काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन कर सकते हैं। ओके, मतलब अभी तक हमने जितने भी लूपिंग स्टेटमेंट देखे सारे लूपिंग स्टेटमेंट जो हैं वो मल्टीपल लाइंस पे हमने लिखे हुए थे है ना। हम एक ही जगह पर यदि सारी चीजों को मेंशन करना चाहते हैं, वन लाइनर यदि हम यहाँ पर फैसिलिटी देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर नेक्स्ट लूप का यूज करने वाले हैं। ओके, मतलब हम वहां पर तीनों चीजें, मतलब इनिशियलाइजेशन, जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और जो कंडीशन चेकिंग है, ये सारी चीजें हम एक ही जगह पर यहाँ पर लिखें। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि हमको यहाँ पर काउंटिंग करनी है 1 से लेके 100। हमने एक वेरिएबल ले लिया x वेरिएबल, x की वैल्यू हमने लिया है फॉर x इज इक्वल टू 1 to 50 सपोज, एंड प्रिंट x एंड नेक्स्ट। तो यदि हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है फॉर x इज इक्वल टू 1 to 50 एंड प्रिंट x एंड देन नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर कुछ भी कंडीशन चेकिंग नहीं करेगा, ये सिंपली क्या करेगा, 1 से लेके 50 को प्रिंट कर देगा। नाउ यदि हमको क्या करना है,
1 से 50 के बीच के नंबर स्टेप्स ऑफ 2 में यदि आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो सिंपली जब आपने 4 लिखा, x इज इक्वल टू 1 लिखा, तो वहां पर हमको लिखना पड़ेगा 1 टू 50, हमको स्टेपिंग डालना पड़ेगा स्टेप 2, मतलब अब ये जो लूप है ये 1, 3, 5, 7 इस तरीके से डिस्प्ले करता जाएगा। तो ये जो होता है ये वर्टिकली डिस्प्ले करेगा, वर्टिकली मीन्स लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा, और यदि हमको हमारा जो रिजल्ट है वो हॉरिजॉन्टली चाहिए तो उस केस में क्या होगा, हमको यहाँ पर जब हम प्रिंट करते हैं वैल्यू को तो वहां पर आपको इस तरीके से एम्परसेंड स्पेस एंड डॉलर साइन लिख करके यदि हम 2 लिखेंगे तो उतना स्पेसिंग में प्रिंट करेगा, और यदि हमको इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है तो हम 2 की जगह पर कोई भी नंबर जितना हम स्पेसिंग चाहते हैं हॉरिजॉन्टली वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। एक और एग्जांपल देखते थे फॉर नेक्स्ट रिपीटेशन स्ट्रक्चर का। यहाँ पर हमने इसको इफ कंडीशन के साथ यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक नंबर वेरिएबल लिया हुआ है नंबर एज इंटीजर, हमने क्या लिया फॉर नंबर इज इक्वल टू 1 to 10, मतलब हमारा जो लूप है वो 10 टाइम्स चलने वाला है। इफ नंबर इज इक्वल टू 4, लेकिन हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दी कि यदि नंबर 4 हो जाएगा तो प्रिंट होना चाहिए दिस इज नंबर 4, और यदि ऐसा नहीं है तो नॉर्मल जो प्रिंटिंग है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस पूरे कोडिंग का जो आउटपुट है उसमें क्या होगा, 4 की जगह पर हमको क्या डिस्प्ले होगा, एक स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा दिस इज नंबर 4। नॉर्मली जब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो 1, 2, 3 इस तरीके से आएगा, लेकिन जैसे ही 4 आएगा तो उसकी जगह पर आएगा दिस इज नंबर 4, उसके बाद में 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हमने फॉर और इफ को क्या किया हुआ है, एक साथ मिक्स किया हुआ है। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम विजुअल बेसिक के कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।